हर हर महादेव। किन्हीं सज्जन का प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब हनुमान जी महाराज ने लंका का दहन किया तो लिखा हुआ चले मरुत 49, 49 मरुतगण होते हैं, अग्नियां भी बहुत प्रकार की होती हैं, है? और श्रीमद् भागवत में अग्नियों के बहुत प्रकार बतलाए गए हैं, उनको भी 49 रूप में बतलाया गया है। तो हमारे यहाँ मरुतगण भी 49, अग्नियां भी 49, है ना, क्षेत्रपाल ये भी 49 या 51, भैरव भी 49 या 51, इस तरीके से बहुत है। तो इनका कहीं उपयोग है? जैसे हम हवन करते हैं तो इतनी अग्नियां इतनी प्रकार की हैं क्या? कहीं इनका हवन में तो एक हवन करते हैं, एक चूल्हे में जलाते हैं, हो सकता है अलग अलग हो, परंतु इनके कहीं उपयोग हैं क्या, ऐसा प्रश्न है। तो देखिए शास्त्रीय समाधान है कि हमारे यहाँ कई तरीके के कर्म हैं, कई तरीके के यज्ञ आदि हैं, उन कर्मों में यज्ञों में होने वाले जो हवन आदि कृत्य हैं उन सभी में अलग अलग प्रकार की अग्नियां होती हैं, लोक में भी, यहाँ तक सूर्य में, चंद्र में, इन ग्रहों में जो अग्नियां हैं, जो दाहकत्व प्रकाशकत्व है, ये अलग अलग प्रकार की अग्नियां हैं, और लोक में भी अग्नियां हैं। वैदिक अग्नि अलग है, स्मार्त अग्नि अलग है, लौकिक अग्नि अलग है। वैदिकाग्नि और स्मार्ताग्नि पर हमने चर्चा की हुई है, आप वीडियो में सुन सकते हैं। अब देखिए कर्मांग अग्नियों के बारे में, आप देखिए हमारे विभिन्न प्रकार के कर्म, विवाह आदि संस्कार, इनमें होने वाले हवनों में सब में अलग अलग प्रकार की अग्नियां होती हैं, और जब हवन करें तो उससे पहले उसी नाम वाली अग्नियों अग्नि का आह्वान करके और उन्हीं की प्रतिष्ठा करके तथा उन्हीं अग्नि का पूजन करके उसी अग्नि में हवन करना चाहिए। ये सावधानी रखना चाहिए समस्त वैदिकों को, कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मणों को। और देखिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। ऐसा प्रमाण के लिए बतला दें क्योंकि श्लोक बहुत हो जाएंगे। कहीं कहीं विकल्प भी है नाम में कि एक कर्म में वे कहते हैं कि ये भी अग्नि है, ये भी अग्नि है, तो हमने कई अग्नियों को समावेश करके बतलाएंगे कि इसमें किसी कर्म, किसी शास्त्र के अनुसार ये भी अग्नि है तो किसी शास्त्र के अनुसार इस नाम वाली भी अग्नि है। आप यूं समझ सकते हैं कि उस कर्म में होने वाली जो अग्नि है उनके दो नाम है या तीन नाम है या चार नाम है, क्योंकि कुछ शास्त्रकार उस कर्म की अग्नि का नाम दूसरा बतलाते हैं और कुछ शास्त्रकार दूसरा बतलाते हैं। जैसे धर्म सिंधु में भी अग्नियों के नाम हैं, कर्मकांड प्रदीप में भी हैं, पारस्कर गृह सूत्र की व्याख्याओं में भी लिखा हुआ है, और पीयूष दारा इत्यादि टीकाओं में लिखा हुआ है, तथा विधान पारिजात इत्यादि निबंध ग्रंथों में है, और भी संस्कार भास्कर इत्यादि ग्रंथों में है, संस्कार दीपक में महामहोपाध्याय नित्यानंद पंत पर्वती जी ने लिखे हुए हैं। तो ये कर्मांग जो अग्नियां हैं उनके नाम हैं। तो इनमें शास्त्रों में मिलाने पर कहीं कहीं पृथक पृथक भी नाम मिलता है। तो किसी कर्म में यदि पृथक पृथक अग्नियां भी हैं, अलग अलग नाम हैं उनके, तो उन नामों का भी मैं जो है उद्घोष करूंगा या बतलाऊंगा, आप ध्यान से सुने, है ना। देखिए जैसे कि लौक के पावको यज्ञ प्रथमा परिकीर्तिता अग्निस्तुमारुतो नाम गर्भाधाने प्रकीर्तिता, इस तरीके से ये श्लोक आदि हैं। तो हम अभी मूल रूप से हिंदी में आपको बतलाते हैं, सब लोग समझ सकते हैं, और प्रमाण के लिए हमने ये ग्रंथ बतलाई दिए हैं, इनमें आप लोग देख सकते हैं। देखिए लौकिक कर्मों में पावक नाम की अग्नि होती है, गर्भाधान संस्कार में मारुत या भरत नाम की अग्नि होती है, पुंसवन में चमस अथवा चंद्र अथवा वर नाम की अग्नि होती है, अन्य शुभ कर्मों में शोभन नाम की अग्नियां होती हैं, और सीमंतोन्नयन संस्कार में अनल अथवा मंगल नाम की अग्नि होती है, जात कर्म में प्रगल्भ या स्वभू नाम की अग्नि होती है, नामकरण में पार्थिव या बल नाम की अग्नि होती है, और अन्नप्राशन संस्कार में शुचि या अंगिरा नाम की अग्नि होती है, चूड़ाकरण संस्कार में सभ्य या समुद्भव नाम की अग्नि होती है। इसी तरीके से व्रतबंध यानी यज्ञोपवीत में देखिए समुद्भव या जय नाम की अग्नि होती है, और गोदान संस्कार में सूर्य या रुद्र नाम के अग्नि देवता की स्थापना करनी चाहिए, समावर्तन में याजक या अग्नि नाम भी है, अग्नि नाम की अग्नि की स्थापना होनी चाहिए, और व्रत विसर्ग में वैश्वानर नाम के अग्निदेव होते हैं, और विवाह में बलद नाम भी होता है, संयुग या जो सर्वविख्यात नाम है योजक,
योजक नाम की अग्नि भी होती है। चतुर्थी कर्म है शिखी नाम की अग्नि का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। अग्नियाधान में आवसत्य आवसत्याधानम तु दार काले, और वैष्णुदेव में पावक नाम की अग्नि, अग्निहोत्र में वैदिक अग्निहोत्र में गार्हपत्य अग्नि दक्षिणाग्नि आह्वनी अग्नि होती है। और यदि 100,000 आहुति पड़ती हैं यदि किसी यज्ञ में, तो ऐसी लक्ष आहुत्यात्मक जो यज्ञ हैं उनमें अभीष्टद या वह्नी नाम की अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। और कोटि होम में महाशन घृतार्ची या हुताशन, ये तीन नाम हैं, इन नाम की अग्नियों की स्थापना होनी चाहिए। और रुद्रयाग में अग्नि का नाम होता है मृड। शांति कर्म में शुभकृत या वरद नाम की अग्नि, पौष्टिक कर्म में वरद बलद या बलवर्धन नाम की अग्नि होती है। शांति के तो वरद प्रोक्ता पौष्टिक के बलवर्धना, ध्यान दीजिए शांति कर्म किसी भी प्रकार के शांति मूल शांति या ये जो है श्री शांति बृहस्पति शांति, ये जो शांतियां हैं इस तरीके से विनायक शांति और बहुत सी शांतियां हैं जिनका हमने जिक्र किया है समय समय पर, आप भी देख सकते हैं। वो मुख प्रसव शांति, जन्म लेने से ही संबंधित लगभग दर्जनों शांतियां हैं। लोग प्रायः ये जो है वही जानते हैं कि मूल में जन्म हो जाए तो शांति करना चाहिए। इस विषय पर शांतियां कितनी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, एक जो है आपको वीडियो बतलाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हमारा जन्म के समय पर कौन से दुष्ट समय के लिए शांति करने का विधान शास्त्र बतलाते हैं, तो वो आपको बतलाएंगे। तो शांति कर्म में वरद नाम की अग्नि या शुभकृत नाम की अग्नि होती है, पौष्टिक कर्म में वरद बलद या बलवर्धन नाम की अग्नि होती है। आविचारिक कर्म यदि कोई करे तो उसमें क्रोध नाम की अग्नि, माने आविचारिक कर्म किसी दूसरे को घात करने वाले, जैसे वशीकरण में शमन या वशकृत नाम की अग्नि होती है। वन जलाने में, वन में जो आग लग जलाते हैं उसमें पोषक नाम की अग्नि होती है, और वन में जो अपने आप अग्नि लग जाती है उसको दावाग्नि कहते हैं। पेट में, माने जो अग्नि होती है हमारे पेट में भी अग्नि होती है, तो उसका नाम जठर होता है अथवा अनल होता है। शव जलाने में, शव जो चिता में जो अग्नि होती है उसका नाम होता है क्रव्यात या कश कलमश, कलमश नाम की अग्नि होते हैं। और समुद्र में वडवा वाडव या वडवानल, ये दोनों ही नाम है। समुद्र में वाडव नाम के अग्नि देवता रहते हैं। अग्नि शब्द वैसे हमारे यहाँ संस्कृत में पुल्लिंग है, अग्नि रहता है अग्नि रहते हैं, और हिंदी में अग्नि को स्त्रीलिंग नाम से व्यवहार करते हैं। प्रलय में संवर्तक अग्नि का नाम है, ये शास्त्रों में बताया गया है, संवर्तक या सामवर्तक भी नाम है, संवर्तक भवा सामवर्तक। प्रायश्चित में किसी भी प्रकार का कोई प्रायश्चित कर्म कर रहे हैं तो उसमें होने वाली जो अग्नि है उनका नाम है विधि अथवा विट या शुद्धि, तीन नाम शास्त्रों में मिलते हैं। वृषोत्सर्ग, जब वृष छोड़ा जाता है वृषभ का उत्सर्ग कर दिया जाता है तो उसमें अग्नि का नाम है साहस। और वास्तु कर्मों में भी शास्त्र है ना, साहस नाम की अग्नि है, या वास्तु शांति कर रहे हैं तो उसमें तो शांति के तो वरद प्रोक्ता ऐसा भी है, वरद या साहस। देवताओं के लिए जो अग्नि का कार्य है, देवताओं की जो अग्नि है उनका नाम है हव्यवाह। पितरों के लिए जो अग्नि है उनका नाम है कव्यवाह या विश्वदेव, विश्वदेव या वैश्वदेव, मुख्य रूप से विश्वदेव अग्नि का नाम आया है। पूर्णाहुति करें हम किसी भी यज्ञ में, किसी भी यज्ञ में जब पूर्णाहुति होती है तो अग्नि देवता बदल जाते हैं, और पूजा भी उन्हीं देवता का करना चाहिए जो जिस नाम वाले अग्नि वहां उस कर्म के लिए अधिकृत है। तो पूर्णाहुति में अग्नि देवता का नाम होता है मृड। पूर्णिमा के होम में, पूर्णिमा संबंधी कर्म करने में, दर्श पूर्णिमा से यज्ञ होता है तो ऐसी तरीके से पूर्णिमा संबंधी हवन में शशांक नाम की अग्नि, काष्ठ से उत्पन्न अग्नि का नाम घोर होता है। बांसों से उठी अग्नि जो है वो परांत नाम है उनका। पाक यज्ञ में दक्ष नाम की अग्नि, बसोर धारा में निधीश नाम के, बसोर धारा में निधीश। धूप जो जलती है उसमें भी अग्नि होते हैं कि नहीं, उनका नाम है कामदेव। देखिए कितने अग्नियों के नाम है। धान आदि की तुष्टि जला देते हैं तो उसमें भी अग्नि रहते ही है तो उनका नाम है कामहा। चौराहे पर जो अग्नि जला देते हैं शरदी इत्यादि के लिए उनके नाम है परांतक।
और भूख उत्पन्न करने वाली जो अग्नि हमारे अंदर जो क्षुधा उत्पन्न करती है उनका नाम है विभत्सु। राजा के घर में उत्पन्न जो अग्नि है उनका नाम है विजय। वृक्षों से उत्पन्न अग्नि उनका नाम है धूम्र। दीपक में स्थित जो अग्नि है उनका नाम है कृष्णपथ। हेमंत आदि की वाद्य, हेमंत आदि ऋतु की जो देवी अधिष्ठात्री अग्नि है उनका नाम है वाद्य। देवी के मंदिर से उत्पन्न अग्नि है अजित। म्लेच्छ लोगों में जो है अग्नि, म्लेच्छ लोगों के यहाँ जो अग्नि रहती है उसका नाम है शंकर। ईंटों की भट्टी में भी अग्नि होती है उसका नाम है संघ। वीर्यपात कराने वाली जो अग्नि है, जो कभी कभी बहुत बढ़ जाती है अग्नि तो उसकी वजह से जो वीर्य क्षरण होने लगता है या स्वप्न दोष होता है, पर वो अग्नि है जय। ये देवी पुराण के आधार पर है। सूर्य में कपिल नाम की अग्नि, चंद्रमा में पिंगल नाम के अग्नि देवता, मंगल में धूम्र केतु, बुध में जाठर, बृहस्पति में शिखी, शुक्र में हाटक, शनि में महातेजा, राहु तथा केतु में हुताशन नाम के अग्नि का वास होता है। ये गोभिल पुत्र कृत संग्रह में ये जो है बतलाए गए, लो ये यहां से बतला रहे हैं ग्रहों की अग्नि इत्यादि। इस तरीके से सर्वप्रथम जो अग्नि देवता के जो स्वाहा नाम की पत्नी में उत्पन्न पुत्र हुए वो पावक, पवमान और सुचि थे। फिर इन्हीं से धीरे धीरे ये जो है अग्नियां बढ़े तो ये जो 49 अग्नि कहे जाते हैं। हमारे यहाँ अग्नियों के बहुत प्रकार के नाम हैं। इस तरीके से देखिए आपने कितने अग्नि सुने। इन अग्नि देवता की विभिन्न विभिन्न कर्मों में उपयोगिता है। कहाँ किस कर्म में कौन से अग्नि होंगे तो उस कर्म के लिए उसी अग्नि को बुला करके उसी में हवन करना चाहिए, तभी वो कर्म पूर्ण होता है, अन्यथा आप समझ लीजिएगा। इस तरीके से कितने विभिन्न प्रकार के लौकिक वैदिक स्मार्ट कर्म है तो वहां वहां अग्नि, आप इस वीडियो को सुनकर के अग्नि जितने कर्म आप करते हैं उनके नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। संस्कार आदि में, यज्ञ इत्यादि में, सामान्य वर्ताव में भी आने वाली अग्नियों के नाम यहाँ शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने हमारे लिए व्यक्त किए हैं। हमें उनका अनुसरण और समय समय पर उनका प्रयोजन और उनमें ही उन देवताओं की प्रसन्नता के लिए हवन आदि कृत्य करना चाहिए। हर हर महादेव।